بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाह में हमें सीन की आवाज़ क्लियर करनी है। बिस्मिल्लाह में हमें सिटी की आवाज़ निकालनी है सीन में, और हा हिर वह जो हा है इसे हमने मोटा करके पढ़ना है, मोटे अल्फाज में इसे पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अल्हम्दुलिल्लाह में जो हा है अल्हम्द वाला, उसमें हा हमें हलक से निकालना है। हरूफ हल्की के अल्फाज हैं, जैसे हमज़ा हा वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से सीने की तरफ से हमज़ा हा। अब यहाँ पे है हा, आइन हा हलक के दरमियान से निकलेगा, जैसे अल्हम्दु हा हमारा हलक के दरमियान से निकलेगा। पढ़ के दिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाहि। अब ये हा है जो आपको पहले बताया गया सीने की तरफ से निकलेगा, कैसे लिल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल। रवा जो है रवा मोटा होगा, जिसके ऊपर ज़बर हो पेश हो वो रवा मोटा होगा, और जिसके नीचे ज़ेर हो वो बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे ज़बर है तो इसे पढ़ेंगे मोटे अल्फाज के साथ, रब्बिल आलमीन। अब आइन, मैंने बताया था हलक के दरमियान से आइन हा, जैसे हमने हा हलक के दरमियान से पढ़ा वैसे ही आइन को पढ़ेंगे आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमा निर्रहीम। अब यहाँ पे भी रवा मोटा होगा और हा की आवाज़ हलक के दरमियान से निकलेगी इस तरह से अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी। अब मीम की आवाज़ है, मीम को हमने नाक में इसकी आवाज़ को नहीं लेके जाना, ठीक है। मालिकी। काफ जो है बारीक है, काफ जो कौफ होता है नुक्तों वाला वो मोटा पढ़ा जाएगा, और जो सादा काफ है उसे हम बारीक अल्फाज के साथ पढ़ेंगे मालिकी। यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु। अब आइन, फिर से नून की आवाज़ नाक में हल्की सी लेके जानी है, ठीक है। जैसे ना आइन जो है वो हलक के दरमियान से पढ़ेंगे, और बा हम अदा करेंगे दोनों होंठों को मिलाकर, ठीक है।
نعبدو نعبدو وإياك وإياك نستعين نستعين إياك نعبدو إياك نعبدو وإياك وإياك. अब यहाँ पे वाओ आ गया, वाओ पे हमने होंठों को गोल कर लेना है, गोल करके वाओ अदा होगा, जैसे वाइयाका नस्ताइन नस्ताइन इय्याका नअबुदु वाइय्याका नस्ताइन इय्याका नअबुदु इह्दी इह्दी. अब यहाँ पे हा जो है वो मोटा हा है, जैसे कि आपको बताया गया था वो सीने से निकलता हुआ महसूस होगा, कैसे इह्दी 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 नस्सिरातल नस्सिरातल. अब यहाँ पे स्वाद मोटा है, ठीक है, जैसे रॉ मोटी राब पड़ी थी ना हम लोगों ने, वैसे ही स्वाद है. नस्सिरातल नस्सिरातल. अब त्वा जो है, त्वा कैसे अदा होगा, जब हमारी ज़ुबान की नोक हमारे सामने वाले दो दांतों से टकराएगी, ठीक है, तब हमारा त्वा अदा होगा, ठीक है. नस्सिरातल नस्सिरातल मुस्तकीम मुस्तकीम. अब यहाँ पे काफ नहीं है, क़ाफ है, जो बताया गया था पीछे कि मालिकी का काफ जो था वो बारीक था, और यहाँ पे आ गया क़ाफ. मुस्तकीम मुस्तकीम. क़ाफ कैसे पढ़ना है हम लोगों ने, क़ाफ मोटा अदा होगा, स्वाद क़ाफ ये हम लोगों ने मोटे हरूफ में पढ़ना है, ठीक है. जैसे कि हमने ये सूरतुल फातिहा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने ये याद रखना है कहाँ पे बारीक अल्फाज हैं कहाँ पे मोटे अल्फाज हैं, तो हम लोग सूरतुल फातिहा को अच्छे अंदाज में अहसन अंदाज में पढ़ सकते हैं. इह्दिनस्सिरातल मुस्तकीम इह्दिनस्सिरातल صراط الذين صراط الذين. अब यहाँ पे है ज़ाल, लफ्ज़ ज़ाल और ज़ा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जैसे हम पढ़ देते हैं صراط الذين, यहाँ पे ज़ाल ज़ा नहीं है ज़ाल है, ज़ाल नरम हरूफ के साथ, जैसे सा ज़ाल ज़ा ये नरम हरूफ हैं, इन्हें कैसे पढ़ना है, ज़ुबान हमारी दोनों दांतों के दरमियान में हो, दोनों दांतों के दरमियान में हमारी ज़ुबान हो, दोनों दांतों के ऊपर वाली सतह के साथ या नीचे वाली सतह के साथ टच नहीं होनी चाहिए, इस तरह से ज़ाल अल्लज़ीन अल्लज़ीन अन्अमता عليهم عليهم الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم. अब यहाँ पे الذين नहीं पढ़ना, अल्लाह लाम को बारीक कर देना है, الذين أنعمت عليهم الذين غير المغضوب غير المغضوب. अब غين जो था मुँह के सामने से निकलेगा, पहले हमजा हा सीने की तरफ से, आइन हा हलक के दरमियान से, और غين खो यहाँ से, ठीक है, غين खा कहाँ से निकलेगा, हलक के शुरू से निकलेगा, ठीक है.
वाइन वाइदिल वाइदिल। और यहाँ पे जो रा है वो बारीक है, वो किस तरह से बारीक हो गई कि उसके नीचे जेर आ गई। शुरू पे ज़बर हो उसके ऊपर रा के ऊपर या पेश हो तो वो मोटी पड़ी जाएगी, और अगर जेर हो तो वो बारीक पड़ी जाएगी। वाइदिल मग़ज़ूबी عليهم عليهم ولا الضالين ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا آمين.